बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। पीडीएम का दिसंबर में हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने महंगाई और हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ दिसंबर में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। पीडीएम का इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। इजलास में महमूद खान चकजई, शाहिद खकान आबासी, अवैस नूरानी, आफ्ताब शेरपाओ भी शरीक हुए। इजलास में मुल्क की मजमू सूरत हाल, बदतरीन महंगाई, नैब ऑर्डिनेंस समेत दीगर अमूर मशावरत की गई। साथ ही महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के हवाले से भी मशावरत मुकम्मल कर ली गई। चीन ने ताइवान की आज़ादी की हमायत करने वालों को मुजरम करार देने का ऐलान कर दिया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ताइवान की आज़ादी की हमायत जैसे नज़रियात के हामिल अफराद को ना तो चीन के किसी हिस्से में दाखिल होने की इजाज़त होगी और ना ही किसी चीनी कंपनी या शख्स के साथ रवाबत रखने की। दूसरी जानिब ताइवानी हुकाम का कहना है कि उनके मुल्क को बीजिंग हुकूमत नहीं चलाती और ताइवान एक जमहूरी मुल्क है जिसके अवाम को अपने नज़रियात और आज़ादी इजहार राय का हक हासिल है। गुज़िश्ता माह चीन ने वाज़ेह किया था कि ताइवान में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी किसी सूरत भी काबिले कबूल नहीं होगी। अमेरिका ने इंतहा पसंद मोदी सरकार की अकलियत मुखालिफ पॉलिसियों का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय हुकूमत मुसलमानों, सिख मसीह और दलित आबादी को निशाना बनाने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत मजहबी आज़ादी मुतासर करने वाली पॉलिसियाँ नाफज कर रही हैं और कवानीन से मुसलमानों के खिलाफ अतम बर्दाश्त और खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। अमेरिका की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के रियासती हुकाम सोशल मीडिया को अकलियतों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और भारत में अकलियतों की आबादत गाहों को निशाना बनाया जाता है जिनकी निगरानी भी की जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत CAA के कानून से मुसलमानों को जिला वतनी और तवील हरासत का सामना करना पड़ सकता है। अफगान इजलास में पाकिस्तान की अदम शिरकत अफसोसनाक है। भारत का कहना है कि 10 नवंबर को मौजूदा नई दिल्ली अफगान मीटिंग के हवाले से पड़ोसी मुल्कों की दिलचस्पी काफ़ी हौसला अफजा है, तहम पाकिस्तान का अदम शिरकत का फैसला अफसोसनाक है। इस इजलास में तालिबान को मदु नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में अमन और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर वोश के लिए भारत पड़ोसी मुल्कों के कौमी सलामती मशीरों की एक मीटिंग 10 नवंबर को नई दिल्ली में मुनक्किद कर रहा है। ख्याल रहे कि इसमें रूस, ईरान और 5 वस्ती एशियाई ममालिक कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान ने अपनी शिरकत की तस्दीक कर दी है। पंजाब में चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुख्तलिफ शहरों से चीनी के हजारों बोरियां बरामद कर ली गई। फैसलाबाद में महंगी चीनी बेचने पर शुगर मिल्स का गोदाम सील करके 50 किलो वाली 44,000 बोरियां जब्त कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर्स के मुताबिक शुगर मिल से चीनी का सरकारी एक्स मिल्स रेट 85 रुपए किलो मुकर्र है। मिल्स इंतजामिया डीलर से 135 रुपए फी किलो वसूल कर रही थी। लंदन में हुकूमत के खिलाफ मिलियन मास्क मार्च, वज़ीर आज़म की तस्वीर नजर आतश। बरतानिया में आवाम ने हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरा किया है और वज़ीर आज़म की तस्वीर नजर आतश करके अपने गम व गुस्से का इजहार किया है। इतलात के मुताबिक बरतानिया में हुकूमत मुखालिफ मिलियन मास्क मार्च के दौरान 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए जबकि 12 मुजाहरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहरे में मुजाहरीन ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की तस्वीर को भी आग लगा दी और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पुलिस ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा कि लंदन में जुम्मा की रात होने वाले मुजाहरे में मुलव्वस 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारे 8 अहलकार जख्मी हुए हैं।
जर्मनी में एक मरतबा फिर आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस की शिद्दत में अजाफा हो रहा है। जर्मन खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में कोरोना वायरस से मजीद 150 अफराद हलाक जबकि 37,000 मुतासर हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी वबा अब तक जर्मनी में मजमूई तौर पर 47,00,000 से जायद अफराद को मुतासर कर चुकी है। जर्मनी को इस वक्त कोरोना वायरस की वबा की चौथी लहर का सामना है। कनाडा में सुई के बगैर वैक्सीन लगाने वाला रिपोर्ट। सुई के खौफ से वैक्सीन से भागने वाले लोग अब मुतमिन हो जाएं कि एक रिपोर्ट इन्हें सुई की तकलीफ के बगैर वैक्सीन लगा सकते हैं। इस रिपोर्ट का नाम को भी रखा गया है जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ वट्रोलो के साइंसदानों ने तैयार किया है। इसे कोविड-19 के तनाजर में बनाया गया है क्योंकि वैक्सीन लगाने का अमल जारी है और मजीद कुछ अरसे जारी रहेगा। कोबी रिपोर्ट इसे आसान बना देता है और बहुत तेजी से लोगों को वैक्सीन लगाता है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें एक माह की कम तरीन सतह पर आ गई। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार रात गए अचानक कीमतों में इजाफा करके आवाम पर पेट्रोल बम गिराया। पेट्रोल की कीमत 8.03 रुपए जबकि डीजल के दाम 8.14 रुपए फी लीटर हो गए। दूसरी जानेब अमरीकी जखायर में इजाफे के सबब खाम तेल की कीमतें कम हुई जबकि खाम तेल की कीमत में $3 फी बैरल कमी रिकॉर्ड की गई। अमरीकी अवाम नुमाइंदगान में 1.2 ट्रिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल मंजूर कर लिया गया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अवाम नुमाइंदगान में बिल की हमायत में 228 वोट दिए गए जबकि 206 अरकान ने बिल की मुखालफत की। बिल को अब कानूनी हैसियत देने के लिए सदर जो बाइडन के दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। अमरीकी सेनेट पहले ही इस बिल को मंजूर कर चुकी है। चीन ने नए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खला में रवाना कर दिए। चीन ने मुल्क के जनूबी मगरबी सूबे सिचुआन के शिचियान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हफ्ते के रोज 3 नए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कामयाबी के साथ खला में भेज दिए। यागान 35 खानदानों से ताल्लुक रखने वाले सैटेलाइट्स को एक लॉन्ग मार्च 2D मालबरदार रॉकेट के जरिए 11 बजे कबल दोपहर लॉन्च किया गया और वो कामयाबी के साथ मदार में दाखिल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत नौजवानों की हर तरह से मदद के लिए तैयार है। इन्हें रोजगार और कारोबार की फराहमी के मजीद मौका फराहम करेंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आज कामयाब जवान प्रोग्राम के सरबरा उस्मान डार ने मुलाकात की जिसमें उन्होंने कामयाब जवान प्रोग्राम की कारकर्दगी की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने पेश की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कामयाब जवान प्रोग्राम की कारकर्दगी रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि प्रोग्राम में शफाफियत और मेरिट यकीनी बनाने पर खुशी है। 2 साल मेहनत के नतीजे सामने आना शुरू हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हदायत की है कि मनसूबे में शामिल पार्टनर्स बैंक रकम की तकसीम का अमल मजीद तेज करें। पंजाब हुकूमत ने ऑरेंज लाइन ट्रेन का किराया बढ़ाने की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने नए किराया नामा की समरी वज़ीर आला उस्मान बज़दार को इरसाल कर दी। समरी में तजवीज़ किया गया है कि ऑरेंज ट्रेन का किराया स्टाफ के लिहाज से मुकर्रर किया जाए। ट्रेन का कम अज़ कम किराया 20 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा किराया 70 रुपये होगा। याद रहे कि अगस्त में भी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब को ऑरेंज लाइन का किराया बढ़ाने की समरी भेजी थी। ईरानी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 25 किलो 60% तक अफजूदा यूरेनियम जखीरा कर ली है। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बताया गया है कि अब तक जोहरी हथियारों के हामिल ममालिक के अलावा कोई दूसरा मुल्क इतनी बड़ी मकदार में अफजूदा यूरेनियम जखीरा नहीं कर सका है। वाज़ह रहे कि 29 नवंबर को ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान वियना में मुज़ाकरात होंगे। इस सिलसिले में कहा गया है कि मुज़ाकरात में 2015 में तयकरदा मुआहदे की बहाली की कोशिश की जाएगी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मुबसरीन का इस ज़िमन में कहना है कि ईरान का ये कदम दरअसल डील के इम्कानात को मुतासर भी कर सकता है।
कालादम तहरीक के लबैक से पाबंदी हटाने की मंजूरी, वफाकी हुकूमत ने कालादम तहरीक के लबैक पर पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए कालादम तहरीक के लबैक से पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी है। वजारत दाखिला ने वफाकी काबीना को कालादम तहरीक के लबैक पर पाबंदी हटाने की समरी भेजी थी। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने आइंदा पुरतशद्दद एहतजाज न होने की यकीन दहानी करवाई है, जबकि पंजाब हुकूमत ने तहरीक लबैक के नाम से कालादम का लफ्ज़ हटाने की सिफारिश की थी। जी तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।